हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्विस रोल। यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट के 3 पैकेट लिए हैं, उसी से मैं बनाऊंगी। तो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है मिठाई, बहुत ही आसान है। तो यहाँ हम देखिए, एक बिस्किट मैंने लिया है, उसके बीच की जो क्रीम है इस प्रकार से हम निकाल के अलग बाउल में हम रख लेंगे इसको। और इस प्रकार से बिस्किट को हम अलग बाउल में हम रखते जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी क्रीम को हम निकाल के अलग रखेंगे और बिस्किट को अलग रखेंगे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे निकालेंगे। तो बच्चों से तो दूर रखनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे तो इसको तुरंत खा के ख़त्म कर देंगे, जो कि हमको बहुत ज़रूरी है। उसमें बीच में इसके क्रीम बनाएंगे हम। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने सभी निकाल के रख लिया अलग। तो हम इसको बिस्किट के बारीक बारीक पीस कर लेंगे हम। अब इसको हम ग्राइंडिंग जार में हम बारीक सा पाउडर तैयार कर लेंगे बना के। तो यहाँ मैंने तोड़ लिए सभी बिस्किट को, इसका पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका बारीक पाउडर बन के रेडी हो गया है। तो इसके जो बारीक टुकड़े इसमें होंगे, तो उसको भी हम छान लेंगे। और इस प्रकार इसमें मैं छान रही हूँ, जो बड़े टुकड़े रह जाएंगे उसको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ बन के रेडी हो गया मेरा, यहाँ पर मिश्रण बन के रेडी हो गया है। तो देखिए, ऐसा करने से कोई मोटा उसमें कण नहीं रह जाएगा। तो सभी बन के देखिए रेडी हो गया पाउडर, इस प्रकार से लेंगे हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3/4 कप हम इसमें डालेंगे मलाई वाले दूध का। तो हम इसको हम क्या करेंगे, 2-2 चम्मच करके हल्का हल्का सा डालेंगे। तो ज़्यादा नहीं डालेंगे एक साथ, नहीं तो क्या ये बहुत चिकना हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा दूध लिया है, उसको देखिए बन के रेडी कर लिया, घोल दिया इसको बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से मैंने इसको बना लिया है, इसको हम ढक के रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं 2-2 चम्मच, उसको हम बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो क्रीम ली थी मैंने, इसमें हम देसी ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। इसमें 1/2 कप हम डाल सकते हैं देसी ग्रेटेड कोकोनट नारियल का। और यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे, आप मनपसंद कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसको भी हम अच्छे से बारीक गूंद लेंगे। आटा इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल के गूंदेंगे। तो ये देखिए, तो अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा बैटर तो कोई बात नहीं, इसे हम डेसिकेटेड कोकोनट और ज़्यादा डाल लेंगे थोड़ा सा। तो इस प्रकार से ये देखिए, अगर अच्छे से नहीं बैटर ये हो रहा है, बाइंड नहीं हो रहा है, तो सब थोड़ा सा पाउडर दूध भी डाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे, तो एकदम लो फ्लेम में हम इसे पॉपी सीड्स को 2 चम्मच मैंने लिया है, इसको हम खसखस को यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। बस हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे गैस। तो यहाँ गोल्डन हो गया, मैंने बंद कर दिया गैस। तो जो क्रीम वाला बैटर था उसे हम हाथ में थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे, उसके बाद इसको हम इस प्रकार से रोल कर लेंगे। अगर टूट रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे प्लास्टिक लेंगे, प्लास्टिक शीट लेंगे। अगर प्लास्टिक नहीं है तो आप फॉइल या फिर कोई बटर पेपर भी ले सकते हैं। तो प्लास्टिक सबके यहाँ होती है, तो हम प्लास्टिक में इसको रोल करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे पूरी शीट में। तो हम जो बिस्किट वाला बैटर था उसको हम इस प्रकार से रखेंगे, हाथ से इस प्रकार से दबाएंगे, उसके ऊपर हम फिर से प्लास्टिक रख लेंगे। और हल्के बेलन से हम इसको चलाते हुए हल्के हाथ से हम इसे रोल करेंगे, उसको फैला लेंगे। तो इस प्रकार हमने फैला लिया अच्छे से, प्लास्टिक को हटा के अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो पहले हमने क्रीम वाला रोल रखा था बना के, उसको बीच में रख लेंगे। और हल्के हाथों से हम प्लास्टिक को ऊपर से खींचते हुए, ऊपर से हटाते हुए टाइट इसको करके, बीच में एयर नहीं जानी चाहिए और फिर क्या है, ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको अपनी तरफ से टाइट करते हुए, बहुत ही ज़्यादा दबाना नहीं है, इसको हम रोल कर लेंगे प्लास्टिक को उठाते हुए। इस प्रकार से हम इसे रोल कर लेंगे इस प्रकार से, बस पूरा हम रोल कर लेंगे अच्छे से। प्लास्टिक को अलग हटा देंगे, लंबाई में इसको इस प्रकार से हाथों से करेंगे और बस इसको पूरा हम ऐसे रोल कर देंगे। और इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो अच्छे से रोल हो गया, इसको साइड से भी हम इस प्रकार से रोल कर देंगे। साइड से भी हम इसे बंद कर देंगे इस प्रकार, और इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में इस
प्रकार से हम रख देंगे इसको बंद करके। तब देखिए 2 घंटे बाद मैंने यहाँ पर देखिए निकाल के बाहर रखा है, सेट हो गया अच्छे से पूरा। तो अब इसे बाहर हम निकाल लिए, तो जो हमने खसखस को जो हम रोस्ट करके रखी थी जो हमने, इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ से रोल करते हुए। देखिए सब हो गया है रेडी। तो पहले वाले पीस को हम हटा देते हैं काट कर। तो इसको हम बहुत धीरे से ही काटेंगे, नहीं तो ये पूरा टूट भी सकता है। तो जितना मोटा या पतला पीस रखना है आपको, उतने रख कर हम काट सकते हैं धीरे धीरे से, ताकि टूटे ना, बहुत सॉफ्ट होता है ये। तो इस प्रकार से हम सभी को काट लेंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा से सेट हो गई है और बहुत अच्छे से कट रही है। तो इस प्रकार से मैंने सारे काट लिए हैं और वो बहुत जल्दी मिठाई बनके रेडी हो जाती है। आप इसे फ्रिज में रखें और